बच्चों के वालिद से संदेश खाली कांड में जल्द एनआईए का एक्शन देखने को मिल सकता है। बंगाल बीजेपी ने केंद्र से एनआईए जांच की मांग की थी। पूरे मामले को लेकर के संदेश खाली कांड की जांच का दायरा अब एनआईए तक पहुंच गया है। खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं ने केंद्र सरकार से इस मामले की एनआईए जांच की मांग की थी, जिस पर मुहर लगा दी गई है और अब महिलाओं के यौन उत्पीड़न के इस पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी। यानी कुछ और बड़े लिंक भी सामने आ सकते हैं, चेहरे भी सामने आ सकते हैं, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो ये बड़ी खबर, बशीरहाट पुलिस से क्रिमिनल केस की जानकारी भी इसको लेकर मांग ली गई है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का संदेश खाली जाने का रास्ता भी साफ हो गया है। जाकर पीड़ित परिवारों से वो मुलाकात करेंगे और ममता सरकार के लिए एक बहुत बड़े झटके की तरह ये खबर सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, संदेश खाली मामले की जांच अब एनआईए की टीम करेगी। इसको लेकर डिटेल्स भी एनआईए की टीम ने लोकल पुलिस से मांग ली है और साथ ही बीजेपी नेताओं का जो डेलीगेशन है वो आज जाएगा, पीड़िताओं से मुलाकात करेगा, उन परिवारों से मुलाकात करेगा जो बीजेपी कार्यकर्ता पहले वहां पर गए थे, घायल हुए थे, जिनको पकड़ा भी गया, उनके भी परिवारों से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम बीजेपी पश्चिम बंगाल बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनका है। और ये जानकारी इस वक्त मिल रही है कि एनआईए अब इस मामले में जांच को आगे बढ़ा सकती है। और बड़ी खबर एक और आ रही है, कोलकाता हाईकोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। संदेश खाली में धारा 144 लगाने के आदेश पर रोक लगा दी गई है।